I'm Prarthana Mahim. I'm studying in Holy Grace Academy, Mala, in 5th standard. आदरणीय सज्जनों को मेरा विनम्र प्रणाम. अनुभूति से ज्ञान, अज्ञान से विज्ञान और दरिद्रता से सुख तक हमें ले जाकर भारत के गुजरे हुए आचार्य परंपरा के चरणों में और यहाँ सम्मिलित आप सभी के सामने मैं अपने शब्द विनय पूर्वक समर्पण करती हूँ. भूमि पर जीव जंतुओं की आवास व्यवस्था का विनाश करके मनुष्य ही इस भूमि को मलिन करने वाले इस वर्तमान काल में आधुनिक युग में प्लास्टिक का अधिक उपयोग विषय के साथ आपके सामने खड़ी हूँ. प्रियजनों, मृदु अदवा बनने में आसान है प्लास्टिक नाम का पदार्थ. रोजमर्रे की जिंदगी में उपयोग होने वाले कई वस्तुओं के निर्माण के लिए प्लास्टिक का उपयोग होता है. प्रारंभिक काल के प्लास्टिक प्राकृतिक पदार्थों से रासायनिक प्रक्रिया विकसित हुआ करते थे, मगर अब बहुलकीकरण अथवा पॉलीमराइजेशन नामक प्रक्रिया के जरिए कृत्रिम रूप से निर्मित होने वाली रासायनिक श्रृंखला है इसके मुख्य अंग. प्लास्टिक जैव निम्न करनीय नहीं है. आज हमारे राज्य में ही दैनिक आधार पर उपयोग के बाद फेंक दिए जाने वाले प्लास्टिक की मात्रा हमें चौंकाने वाली है. कुछ ही शहर में ही एक दिन में हजारों पानी की बोतलें बिक जाती हैं. भाइयों और बहनों, बिकने वाले दूध के पैकेट, प्लास्टिक थैलियां इत्यादि को अलग करके देखें तो भी इनकी संख्या आश्चर्य कर देने वाली है. दुर्भाग्य से प्लास्टिक हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुका है. खाना खाने का बर्तन, उसे रखने का बर्तन, पानी ले जाने वाला बोतल आदि वस्तु भोजन के साथ सीधा संपर्क करने से देश में रोगियों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है. जो प्लास्टिक हम उपयोग के बाद नदियों और सार्वजनिक स्थलों पर फेंकते हैं, वह पर्यावरण के संतुलन को पूरी तरह से बिगाड़ रहा है. नहीं तो हम इस प्लास्टिक को जला देते हैं. माननीय केरल हाईकोर्ट ने नियम के जरिए प्लास्टिक कूड़े का जलाना मना किया है. प्लास्टिक के जलने से निकलने वाले डाइऑक्सिन, फ्रांस नाइट्रिक ऑक्साइड इत्यादि फेफड़ों के कैंसर का कारण हो सकते हैं. केरल संस्थान नदी जल संरक्षण समिति के दिए हुए याचिका की सुनवाई के बाद ही केरल में प्लास्टिक थैलियों का प्रतिबंध करने का फैसला कोर्ट ने सुनाया था. सोचने वाली बात यह है कि लोगों के स्वास्थ्य या पर्यावरण के स्वास्थ्य के लिए प्लास्टिक का उपयोग रोकने में सरकार ने कोई निवारक उपाय का प्रयोग नहीं किया. हमारे राज्य में दूध के वितरण में प्रथम स्थान पर रहने वाली मिल्मा एक दिन में फेंकने वाली प्लास्टिक हम सोचने से भी अधिक है. विडंबना की बात यह है कि यह एक केरल सरकार उपक्रम है. इस देश में बड़ी स्वास्थ्य समस्याएं पैदा करने वाले प्लास्टिक के खिलाफ लड़ने का समय निकल चुका है. समय आ चुका है कि हम में से हर एक प्लास्टिक से मुक्त जीवन जीने की प्रतिज्ञा ले. इसके लिए हमें गृहों से ही शुरुआत करना चाहिए और दुकानों से मिलने वाले प्लास्टिक थैलियों की जगह हमें कागज, कपड़ा आदि से बने थैलियों का इस्तेमाल भी करना चाहिए. नहीं तो इस समूह को नष्ट कर देने के लिए गंभीर रोग है जो मनुष्य से रोका नहीं जा सकता. और तो और हमारी नदियां और प्राकृतिक धन भी जल्द ही पूरी तरह से नष्ट हो सकते हैं. यह याद दिलाकर कि इस खतरे के खिलाफ मिलकर काम करने का समय आ चुका है, यह विश्वास रखते हुए कि मेरे छोटे शब्द आपके दिल को छू गए, मैं समाप्त करती हूँ. धन्यवाद.